बैक टू अवर चैनल। और आज हम जा रहे हैं गुरुजी के सत्संग में, और उससे पहले आज मम्मी और मेरी लड़ाई हो गई थी तो मैं इसलिए लेट जा रहा हूँ। आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है। आज श्रुति की आज हमारे लिए तीन चार चीजें बहुत अच्छी चीज है। आज श्रुति की मम्मी का बर्थडे भी है, तो सब हैप्पी बर्थडे शशि लिख देना कमेंट में, ठीक है। और सेकेंड, आज हमारे गुरुजी का भी बर्थडे है, और आज हमें 6 महीने कम्प्लीट भी हो गए, 7th को हमारी शादी हुई थी, सो आज हमारा एनिवर्सरी डे भी है, 6 months एनिवर्सरी। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तो मैं 1 year पे ही करूँगी। खा लेके जाओगी मेरे को? झक्कास। आजकल बिग बॉस देख देख के ये झक्कास हो रहा है इनका। झक्कास बट मजा तो उसमें आता था, वो बार बार शर्टों के पड़। यार मुझे तो भाई सही बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल कपूर जी जो है वो बेखामे गुस्सा कर रहे हैं और यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा हो रहा है ये सब, और टीवी एक्टर को कुछ नहीं कर रहे। आप कहते हो कि भाई कंटेंट पे मत जा, ये मत कर। अरे भाई क्यों ना जाए भाई, क्यों, कैसे कोई जा सकता है? आप अपनी कोई मूवी बनाते हो, कुछ बनाते हो, ये तो हिपोक्रेसी होगी ना। मूवी के लिए कोई बोल दे तो हाँ भाई हिपोक्रेसी नहीं है, हमारा बच्चा है, हमारा धंधा संभालेगा। अरे भाई ये तो कंटेंट जो बना रहा है वो बना रहा है, उसकी मर्जी जो भी बनाए, इतना नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। मेरे को तो बहुत बुरा लगा विशाल के लिए भी और सना मकबूल के लिए भी, बेमतलब दो जनों को टारगेट कर रहे हैं। पिछले वीकेंड के बार में भी इन टारगेट किया था और इस बार भी। सना मकबूल तो बेचारी हर बात पे सुन रही है, कुछ करती भी नहीं है फिर भी सुन रही है। पता नहीं उन सबको कुछ बोल नहीं रहे जो बाकी बक रहे थे, वो गाली पॉलिमी गाली बक के चली गई, उनको कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ हो गया। बिग बॉस तक को बक दी उसने, वो कुछ नहीं कहा किसी को। पता नहीं भाई कितना अजीब सा ही बिग बॉस है ये वाला तो। बट हम बिग बॉस की बातें क्यों करें, हमारी लाइफ में खुद एक बिग बॉस चल रहा है। हमारी दोनों की लड़ाई होती है आज, जैसे मम्मी और मेरी हो गई, मम्मी भाग गई कैब करके, अब मैं गाड़ी से जा रहा हूँ और ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ ड्यू टू सम रीजंस, क्या बताऊँ, श्रुति की वजह से। नहीं मैंने आज टाइम नहीं लिया, मैंने बस ना आज पूड़ी खा ली, और भगवान भगवान की इतनी कृपा है कि जैसे इसने बोला मुझे नींद आ रही है, भगवान ने लाइट उड़ा दी, हमारे घर में लाइट नहीं है, तो जल्दी जल्दी तैयार हुई गाड़ी में बैठी और फिर अब हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं। और देखो आज ये वाला व्लॉग तो आपको लेट ही मिलेगा ऑब्वियसली, बट हमने पूरी कोशिश करी है, तो इसको लाइक जरूर करना और जय गुरु जी हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना कमेंट में, और हैप्पी बर्थडे शशि भी लिखना। और हमें शशि लिखेंगे क्या, कुछ भी बोलते हो यार। अच्छा शशि में सिर्फ ये कह रही है कि शशि मैं ही बोल सकता हूं, मैं भी नहीं बोलती। सो ठीक है, और क्या कहते हैं, हमें हमारी एनिवर्सरी भी है, 6 months हो गए हमें कंप्लीट, तो उसके लिए भी भाई शुभकामनाएं दे देना अगर आपका अच्छा लगे, आपको मन करे तो, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स की हमें जरूरत है, अभी हमारा बहुत ज़्यादा डाउन टाइम चल रहा है, सो वी विल बी बैक सून। सो अभी हम जा रहे हैं गुरु जी के सत्संग में। हम आजकल ना फैमिली में, क्योंकि भाई शादी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, तो हम थोड़ा ज्यादा बिजी हैं आजकल फैमिली वाले एनवायरनमेंट में, तो हम नहीं बना पा रहे रेगुलर व्लॉग्स हमारे, मतलब 2 व्लॉग्स मिस भी हो गए हैं, अभी मंथ शुरू हुआ है। बट डू नॉट वरी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ कुछ अच्छा प्लान भी करना है, आप लोगों को पता ही है, तो जल्दी। और आपको बताऊँ एक बात और बताऊँ, मैंने कल पेटीएम पे बिजली का बिल भरा था, तो मुझे 1000 रुपए वर्थ का एक अरे सुन रहा कैशबैक मिला है 1000 रुपए का, मैं एक टिकट खरीद सकता हूँ जिसमें 1000 रुपए मुझे ऑफ मिलेगा, एयरप्लेन टिकट का 1000 रुपए ऑफ के लिए। 25,000 की टिकट कराओगे हैं भाई? 25,000 की क्यों करानी है, आसपास कहीं चल लेते हैं, वैष्णो देवी चल लो यार, 1000 रुपए ऑफ तो है ही। भाई हमें मिडिल क्लास आदमी, हम तो एक एक ऑफ को देखते हैं भाई, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा 1000 रुपए वो आया ना जब कैशबैक, वो मेरा वाह हो गया, बिल भी तो 20,000 का भरा है ना, तो चल ठीक है 1000 रुपए तो वसूल करे आदमी। श्रुति को देख के खुश हो गए बच्चे, श्रुति आपके लिए कर रहे हैं सिर्फ, देख रहे हैं आपको देख के खुश हो गए बच्चे बेचारे। क्या है आप में ऐसा जो लोग देख के आपको खुश हो जाते हैं, हैं? बाय कर दो, बाय बाय। किसेस दे रही है मेरे को, दिया कभी? आपको यार बिल्कुल भी तरस नहीं आता क्या मुझ पे? मेरे से मेरे सामने बैठ के चाय पी रहे बच्चों को कर रही हो आप फिर? चलो सुनो रहने दो आपको। आजकल पता है ना बिग बॉस देख रही हो ना क्या क्या हो जाता है, सुंदर बोलने पे भी लड़ाई हो जाती है। अरे भाई कुछ नहीं है भाई, इतने प्यार से बोला था और उसने बेचारे ने तो। नहीं भाई देखो मैं आपको सही बताऊं, ये कोई भी लड़के हम बैठते हैं ना तो छोटी मोटी हंसी मजाक कर लेते हैं यार, तो बस उसको बस ये है कि उसको स्क्रीन में नहीं करना चाहिए था, बट करते हैं भाई, उसमें उसने कोई गाली नहीं दी थी ना कुछ बोला था, उसने ना गंदी नजरों से देखा था, उसने सिर्फ नॉर्मली एक चीज कही थी कि मुझे कृतिका भाभी सुंदर लगती है, गिल्टी वर्ड तो मैंने सुना ही नहीं यार। फिर कैसे बोल सकती हो आप झूठ,
बस उसको ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए था। और हाँ गाइस, मैं आपको दिखाना भूल गया कि मैंने कंटेंट सुधारने के लिए और जिम में भी हम कंटेंट बना सके, मैं बोलूंगी। हालांकि मुझे बहुत ही नींद आ रही है चार पौड़ियों के बाद, ठीक है। फिर भी मैंने तुषार से बहुत दिन से बोल रही थी मुझे जिम में सेल्फ वीडियोस बनाने के लिए, ताकि मैं तुषार को डिस्टर्ब ना करूं। तुषार बहुत भाव खाता है, तो मैंने स्टैंड मंगवाया है, वो आपने देखा होगा आजकल सब यूज कर रहे हैं, वो बहुत स्लीक वाला, ये देखो ये बना हुआ है स्टिक वाला स्टैंड, स्टिक स्टिक, मैंने बोला स्लीक। अरे यार ये स्टिक वाला स्टैंड है यार, इसमें आप देख सकते हो ट्राईपॉड भी बन जाता है, ये स्टेबल ट्राईपॉड है और ये लंबा है। अरे मतलब ये मतलब बेसिकली वो डंडी सी नहीं खड़ी रहती जिसमें फोन लटका के बंदे वीडियो बनाते, वो लिया है। श्रुति को बहुत क्रेज हो रहा था इसको खरीदने का कि भाई मेरे को चाहिए, मेरे को अपनी वीडियोस बनानी है, तो मैंने बोला चल ठीक है ले लेते हैं। आज वो लेके आया, नहीं बनाता मैं ये वीडियोस। अच्छा, और एक खंबा लाया, खंबा यार ये गाड़ी के लिए लाया हूँ, ये बहुत अच्छा कार होल्डर है ये, बेसिकली आप देख सकते हो इसका ऐसे लगेगा यहाँ पर, ताकि हम गाड़ी में भी कंटेंट शूट कर सके, क्योंकि हमारा जो गाड़ी वाला था वो तोड़ दिया श्रुति ने, तोड़ दिया। मैंने नहीं, आपने तोड़ा, आपने तोड़ा। अब गुरु जी का केक लेके हम पहुंच गए हैं, दिखाओ केक, दिखाओ कैसा, देखो गाइस गुरु जी का चॉकलेट ब्राउनी है। गुरु जी का केक लेके हम पहुंच गए हैं लक्ष्मी नगर, और अब चलो गाइस बहुत बुरा इंतजार, अब चलते हैं सीधा सत्संग में, सत्संग में बैठेंगे थोड़ी देर और फिर काटेंगे केक, वो दिखाऊंगा आपको। ऑलरेडी लेट है, श्रुति लेट है, आप लेट हो। और भाई श्रुति जी कैसा लगा सत्संग में? सो गाइस हम सत्संग से आ गए हैं घर, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अब हम केक कटिंग करेंगे अपने, हमारे घर पे भी गुरु जी की गद्दी लगी हुई है तो वहाँ पर हम काटेंगे केक। सो चलो गाइस अंदर चलते हैं दरबार में। सो आज है गुरुजी का बर्थडे और आज हम काटेंगे गुरुजी के लिए तीसरा केक, एक हमने बड़े मंदिर में काटा, एक हमने अभी सत्संग में काटा, और अब ये थर्ड वन। एंड गाइस ये केक आज बहुत स्पेशल है बिकॉज आज गुरुजी का बर्थडे है, सेकंड हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी है, थर्ड श्रुति की मम्मी का बर्थडे है। सो आज श्रुति के हाथों से कटवाते हैं केक। नहीं, रुको केक माचिस जला दे। सो कितना सुंदर लग रहा है ये चोला गुरुजी पे। आप श्रुति काटेगी केक, चलो काटो, फूक तो मारो पहले। हाँ एक पे मार दो। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे शशि, हैप्पी बर्थडे हमारी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग, और इन्हीं की वजह से हूँ भाई, जो भी है अभी तक, जितना भी है जो भी होगा वो सब इन्हीं की वजह से होगा। एंड थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, एंड आप लोगों का भी शुक्राना, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना अच्छा लगता है, दिल से बता रहा हूँ, थैंक यू, ऐसी सपोर्ट करते रहो, और इस ब्लॉग को आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हमें विशेस दो, गुरुजी को बर्थ से विश करो, और मैं कहना चाहूँगा कि बाय, लव यू, टेक केयर, जय गुरुजी गाइज। इसके बाद मैं क्लिप लगा रहा हूँ जो गुरुजी के बड़े मंदिर में सिंगर्स आए थे और उन्होंने वहां पर केक वेक काटा था और बहुत अच्छा इवेंट था, तो उसकी भी मैं क्लिप्स डाल रहा हूँ, तो आप वो एंजॉय करो। जब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, जय गुरुजी गाइस। यहाँ पे मोहब्बत ही है जी, ये नगरी